आप देख रहे हैं अपना समाचार। पहले तो आप सभी दर्शकगणों को नमस्कार और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी अवसर पे दो प्रोडक्शन हाउस आज बहुत दर्जनों फिल्म बनाने के लिए उत्सुक हैं और शुरू कर रहे हैं, जिनका नाम है कुकी इंटरनेशनल फिल्म्स और गोल्टेक्स इंटरनेशनल फिल्म्स, जिनके ऑनर है नवीन पाठक जी और गोविंद गिरी जी। इन सबों को मैं दोनों जनों को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग प्रोडक्शन हाउस लेकर जा रहे हैं और बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, एज ए डायरेक्टर आप आए हुए हैं, क्या शुभकामना? सबसे पहले अपने दर्शकों जय श्री राम, और आज बड़ा अच्छा लगा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुकी इंटरनेशनल और गोल्टेक्स इंटरनेशनल दोनों प्रोडक्शन मिल के एक नई शुरुआत कर रहे हैं और अच्छी फिल्म बनाएंगे नवीन पाठक जी और गोविंद गिरी जी मिलकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे अच्छे फिल्में बनाए और हमारे दर्शकों को देखने को मिले, और हमारी तरफ से दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों के द्वारा ही ये सबके बीच में जाएगा, सबके सामने जाएगा, और ये दोनों जो प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस कंपनी जो है, ये कुकी इंटरनेशनल फिल्म्स और कॉल्टेक्स इंटरनेशनल फिल्म्स, ऑनर है नवीन पाठक जी और गोविंद गिरी जी, इन्होंने एक नई शुरुआत की है और कुछ कर गुजरने का जो जुनून है, जो दिल के अंदर जो आग जल रही है भोजपुरी को बदलने की, वो हम देखना चाहेंगे और इसी पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा, बहुत जल्द आप सभी के बीच में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। सर तो क्या कहना था, क्या क्या उद्देश्य है प्रोडक्शन हाउस का? उद्देश्य तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि हमने अभी शुरुआत किया है। जैसे जैसे लोग हमें देखेंगे, समझेंगे, फिर लोगों के दिमाग में चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और जैसे लोगों को लगने लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, वैसे ही लोग हमसे जुड़ना और भी बेहतर तरीके से और भी बेहतर ढंग से जुड़ना शुरू कर देंगे, और उस हिसाब से हम सभी का यहाँ स्वागत करेंगे। ये दोनों जने का जो बैनर है कुकी और क्वालटेक्स है ना इंटरनेशनल फिल्म्स, इनका एक ही मोटिवेट और उद्देश्य है कि बेहतरीन फिल्म निर्माण करना, ताकि भोजपुरी को बदल सके और भोजपुरी में कुछ बेहतरीन ला सके। इनका मेन फोकस और उद्देश्य क्या सर? बस बिल्कुल, आए तो हम उसी लिए हैं, भोजपुरी को एक नया आयाम देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं हमने, बहुत सारी चीज़ें भोजपुरी के बारे में सुना है हमने। सर हैं एज ए डायरेक्टर, एज एक्टर हमारे बीच हैं, अब कुछ छुपा नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को चाहते हैं कि कितना बेहतर से बेहतर दे सकें भोजपुरी को, और पूरे विश्व में भोजपुरी विख्यात है इस समय। ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, और हम इसको मतलब अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम भोजपुरी भाषा ही हैं, भोजपुरी भाषी हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक नहीं होता है, एक नया ट्रैक दे रहे हैं, एक नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और हमारे ऐसे ऐसे विभूतियाँ हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। सर कैसे प्लानिंग हुआ कि जो है कि मुंबई में ऑफिस खोला जाए, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस चालू किया जाए, कैसे नींव रखा आप लोग? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। हमने सोचा और हमने समझा इस चीज़ को कि बैठने की जगह और लोगों से मिलने का तरीका एक ऑफिस ही बता सकता है। बिल्कुल, एक अपना ठिकाना होना चाहिए। मुंबई जैसे माया नगरी में, इस ऐसे शहर में, कौन यहाँ बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, पहले अपना एक अस्थाई जगह उसको वो करते हैं। देखिए, कोई भी फैक्ट्री और कोई भी कंपनी अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर होती है, उसको सबसे पहले उसकी नींव होती है। नींव इन द सेंस कि उसका अपना खुद का ऑफिस कार्यालय, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। उसके बाद वहाँ से शुरुआत होती है, पग पग आगे बढ़ते हैं, दर्जनों सैकड़ों लोगों को लेके, हम भोजपुरी भाषी को लेके
उसके बाद एक यूनिट तैयार होती है, उस यूनिट से बहुत कुछ अच्छा कुछ निकलता है। सबके फ्लेवर अलग अलग होते हैं, सबके माइंड में क्या चल रहा है वो अलग अलग आके एक साथ गुच्छा बनता है और वो गुच्छा बम बन के मैं कहूँगा निकलता है और लोगों के दर्शकों के बीच में जाता है। हम ऐसा ही कोशिश करेंगे और ऐसी प्रयास है, हम लोगों का ऐसा ही प्रयास है और दर्शकों को काफ़ी अच्छा कुछ देने के लिए।